हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो आज जो गाइज हम अगेन खेलने वाले हैं एम पी एल पर 1-0 में। एंड गाइज ये गेम प्ले में एक तरह काफ़ी इंटेंस होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम जो है 80 राउंड में मतलब हमारे साथ जोड़ने वाला है ना। सो आप भी देख के चाहूँ जब जो सो वीडियो पूरा एंड तक वॉच करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जो कर देना, अगर चैनल पर पहले ही कराए तो सब्सक्राइब भी जो कर लेना। ओके सो गाइज बात कर लेते हैं इस गेम प्ले की। हमारे पास देख सकते हो फर्स्ट राउंड में कार तो काफ़ी वैलिड है, लेकिन यहाँ पर जोकर नहीं है। सो हम यहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं एंड यहाँ पे भाई देखते हैं कौन कौन बंदे और प्ले करेंगे। वैसे मेरे हिसाब से हो सकता है किसी बंदे पास काफ़ी ओपी कार्ड आए होंगे, जैसे कि हमारे पास देखो एक भी जॉकर नहीं आया, तो किसी बंदे पास इतने जॉकर आए होंगे कि भाई वो बंदा ओनली फर्स्ट या फिर सेकंड टर्न में डिक्लेयर कर सकता। मैंने काफ़ी बार नोटिस किया। खैर यहाँ पर 3 हम बंदों ने ड्रॉप कर दिया, बचे हैं 2 बंदे। तो देखते हैं दोनों बंदों में से कौन कौन बंदा प्ले करेगा, कौन ड्रॉप करेगा। अगर दोनों ड्रॉप कर देंगे तो ये बैट इजी स्किप हो जाएगी, लेकिन मेरे हिसाब से 2 बंदों के पास तो अच्छे कार्ड आते ही आते हैं। लेकिन देख लेते हैं ये बंदा ओके डीलर प्ले कर रहा है, चलो बढ़िया। सो गाइस करते हैं इसी के साथ बैट स्किप, देखते हैं इन दोनों बंदों में से कौन बंदा डिक्लेयर कर पाएगा। ओके सो फाइनली गाइस यहाँ पे सेकेंड लेफ्ट प्लेयर जो है डिक्लेयर कर देता है, और यहाँ पर डीलर देखते हैं भाई ये बंदा कितने पॉइंट से लॉस हुआ है। ओके भाई बंदा 35 पॉइंट से लॉस हुआ है। बंदे के पास ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड लाइफ ही रेंज हो पाती है, मतलब कि अगर एक चक्कर और होता तो शायद बंदा और पॉइंट डाउन कर सकता था, लेकिन भाई बंदे ने थोड़ा फास्ट ही डिक्लेयर किया जिस वजह से बंदे के इतने पॉइंट लग जाते हैं। खैर कोई दिक्कत है नहीं। सो अगेन गाइस कार्ड रिसीव्ड हो चुके हैं एंड अगेन दे सकते हो गाइस कार्ड। इस बार तो गाइस कार्ड तो वैलिड हैं, जैसे कि 9 का सेट रेंज हो सकता है, क्वीन का सेट रेंज हो सकता है, लेकिन देखो फर्स्ट एंड सेकेंड लाइफ रेंज होने के बावजूद ही हमारे पॉइंट देख सकते हो 55 हैं, और बंदे ने हर्ट में क्वीन डिस्कार्ड की। अब मैं सोच रहा हूँ ये चारों बंदे ड्रॉप करें तब हमारे पास हर्ट में क्वीन आ सकती है, लेकिन भाई देखो सेकंड लेफ्ट प्लेयर जब प्ले कर रहा है, और यहाँ पे देखते हैं भाई बंदा उसने भी क्वीन वैसे डिस्कार्ड की है। मैं सोच रहा था बंदा अगर ड्रॉप कर रहा तो बढ़िया रहता, लेकिन देखो भाई सेकेंड राइट प्लेयर जो है भाई प्ले कर रहा है। अब हम यहाँ पर सोच रहे हैं कि प्ले करें या फिर ड्रॉप। वैसे क्वीन तो ओपन डेक में जा चुकी है, और गाइस देखो ये बंदा 3 डिस्कार्ड कर रहा है भाई, और भाई ये बंदा 3 पिक कर गया। अब तो हम यहाँ पर रिस्क नहीं लेने वाले, हम यहाँ पे ड्रॉप ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो हमारे पास इनवैलिड कार्ड काफ़ी सारे हैं, मतलब इतने वैलिड है नहीं, मतलब सेट नहीं होना चाहिए, जो कि बहुत ही कम चांस था। सो हम यहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं एंड इसी के साथ करते हैं गाइस बैट स्किप, देखते हैं इन चारों बंदों में से कौन बंदा डिक्लेयर कर पाएगा। ओके तो फाइनली गाइज यहाँ पे सेकेंड राइट प्लेयर डिक्लेयर कर देता है, और यहाँ पे देखते हैं भाई बंदे कितने कितने पॉइंट से लॉस होते हैं। वैसे मैं सोचा था कि जो यानी कि सेकेंड राइट प्लेयर वो बंदा डिक्लेयर कर सकता है, लेकिन वो बंदा 22 पॉइंट से लॉस होता है, और गाइज देखो राइट प्लेयर हो चुका है 47 पॉइंट से लॉस। चलो कोई नहीं गाइज, मार ली बहुत ही बढ़िया, बंदे थोड़े हाइस्ट पॉइंट से लॉस हुए हैं, वैसे एक बंदा ओनली 9 पॉइंट से लॉस होता। ओके सो अगेन गाइज कार्ड रिसीव हो चुके हैं एंड अगेन दे सकते हो गाइज कार्ड। 6 का सेट रेंज हो सकता है अगर ये दोनों बंदे ड्रॉप करेंगे तो, वैसे 6 का सेट का हम क्या ही करेंगे, हमारे पास और कार्ड आने चाहिए, जैसे कि हर्ट में 2 नहीं आ सकता, हर्ट में 10 आना चाहिए। सो यहाँ पे प्ले करें या फिर ड्रॉप। सो हम यहाँ पे ड्रॉप ही करेंगे भाई, अभी हमारे पास ऑप्शन है तो भाई रिस्क नहीं लेंगे। सो करते हैं ड्रॉप एंड भाई देख लेते हैं और कौन बंदा प्ले करेगा। ओके भाई देखो 42 पॉइंट बंदा ओपन ऐसे कार्ड पिक कर गया, अब हो सकता है इस बंदे पास काफ़ी अच्छे कार्ड हो। और गाइस देखो जो राइट प्लेयर इस बंदे का भी 20 पॉइंट है, मतलब के सबसे डाउन पॉइंट इस बंदे के हैं, और देखते हैं भाई 40 पॉइंट का बंदा प्ले करता है या फिर ड्रॉप। वैसे मेरे हिसाब से हो सकता है प्ले कर ले, क्योंकि इस बार अच्छे कार्ड आ सकते हैं ना, लेकिन बंदा सोच रहा है भाई प्ले करेगा या फिर ड्रॉप, चांस वैसे हैं बंदा प्ले करे। और कार्ड चेक कर लेते हैं एक बार। ओके बंदे के एक बंदे के 14 पॉइंट लगे हैं, बाकी सब बंदे के देखो 22 और एक बंदे के 47 पॉइंट लगते हैं। ओके भाई प्ले कर रहा बंदा, खैर कोई नहीं डीलर प्ले कर रहा है। सो करते हैं गाइज इसी के साथ बैट स्किप, देखते हैं गाइज इस बार कौन डिक्लेयर कर पाएगा। ओके सो फाइनली गाइज यहाँ पे 42 पॉइंट वाला बंदा डिक्लेयर कर देता है, और यहाँ पर देखते हैं गाइज बंदे कितने कितने पॉइंट से लॉस होते हैं। वैसे यहाँ पे गाइस टर्न काफ़ी लगी थी, तो मेरे हिसाब से बंदे ज़्यादा पॉइंट से लॉस नहीं होने चाहिए। देखो भाई 49 पॉइंट वाला बंदा ओनली 5 पॉइंट से लॉस हुआ है, 47 पॉइंट वाला बंदा ओनली 4 पॉइंट से लॉस हुआ है, और 40 पॉइंट वाला बंदा देखो ओनली 3 पॉइंट से लॉस हुआ है।
देख रहे हो गाइस सभी बंदों के पास काफ़ी अच्छे कार्ड आए थे, मतलब कि इनका लक भी अच्छा था तभी अच्छे कार्ड आए थे। चलो कोई नहीं, सो अगेन गाइस कार्ड रिसीव हो चुके हैं एंड अगेन देख सकते हो गाइस कार्ड, इस बार गाइस देख सकते हो दो जॉकर मिले हैं। सो हम इस बार प्ले करेंगे जरूर और देखते हैं भाई इस बार कौन कौन बंदा प्ले करेगा, वैसे हम तो प्ले करेंगे। और गाइस देखो यहाँ पे 43 पॉइंट वाला बंदा अगेन प्ले कर रहा है, मतलब कि पहले से बंदे के 40 पॉइंट थे अब 43 हो गए, मतलब कि इस बंदे ने अगेन प्ले किया। अब तो हमको प्ले गाइस करना ही चाहिए इस इन कार्ड से। बंदे ने 8 कार्ड किया, सो हम यहाँ पे क्लोडे से कार्ड पिक करते हैं, मेरे पास क्या आया क्लब में 10। सो हम यहाँ पे हर्ट एस डिस्कार्ड कर देते हैं मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर वैसे भी हर्ट क्वीन आ गई तब भी हम जो सीक्वेंस नहीं कर लेंगे। अब गाइज हमको कैसे भी करके प्योर सिक्वेंस नहीं करनी, अगर प्योर सिक्वेंस रेंज हो गया तो हम जो है डिक्लेयर भी कर सकते हैं, अगर डिक्लेयर नहीं कर पाए तो मैं सोच रहा हूँ कम से कम 20 से डाउन पॉइंट कर लें तो बहुत ही बढ़िया। और गाइज देखो यहाँ पे 3 बंदों ने ड्रॉप कर दिया और हम 3 बंदे प्ले कर रहे हैं, सो देखते हैं गाइज यहाँ पे हम तीनों बंदों में से, ओ गाइज 10 भी चला गया हमारा। खैर वैसे क्लब में जे आ सकता है, और गाइस देखो ये बंदा भी 10 डिस्कार्ड करता है, कोई नहीं क्लोडर से कार्ड पिक करते हैं, मेरे पास क्या है डायमंड में जे। सो मैं यहाँ पे हुक्म का ये डिस्कार्ड कर देता हूँ, मैं जे डिस्कार्ड नहीं करूँगा अभी क्योंकि बंदे पास डबल 10 हो सकते हैं, लेकिन भाई बंदा तो 80 पिक कर गया। और गाइस देखो क्लब 80 डिस्कार्ड किया, और गाइस देखो ये भी बंदा कार्ड पिक कर गया, अब हम यहाँ जो हम कार्ड पिक नहीं कर पा रहे, लेकिन फाइनली गाइस ये जो बंदा क्लब जे डिस्कार्ड कर देता है, सो इसी के साथ हमारी प्योर सिक्वेंस रेंज हो जाती है। सो हम अब डिस्कार्ड कर देते हैं क्लब में 3, क्योंकि अब हमको एक ही कार्ड चाहिए, वैसे बंदा भी पिक कर सकता है 3, क्योंकि अगर साइड रैंक कर रहा होगा तो बंदा जो 3 पिक करेगा, लेकिन ऐसा नहीं भी हो सकता अभी बंदा कार्ड पिक करे जो भी। वैसे मुझे लगता है बंदे को एक ही कार्ड चाहिए, जिस हिसाब से बंदा टाइम लगा के कार्ड पिक कर रहा है ना, तो मेरे हिसाब से एक ही कार्ड चाहिए होगा। और यहाँ पे देखते हैं भाई बंदा कहीं डिक्लेयर ना कर दे, हम चाहते हैं कि डिक्लेयर हम करें कैसे भी करके, क्योंकि जो डीलर है ना डीलर उस बंदे के 40 पॉइंट है, तो हमको उसको पॉइंट में लेना तभी संभव हो पाएगा अगर हम डिक्लेयर कर पाएंगे तो ओके। लेकिन लकीली गाइस ये जो बंदा अगेन जे डिस्कार्ड करता है तो हमारा साइड ट्रेन हो जाता है, सो टूकसा करते हैं डिक्लेयर एंड इसी के साथ फिनिश। अब देखते हैं गाइस बंदे कितने पॉइंट से लॉस होते हैं, वैसे यहाँ पे 43 पॉइंट वाला बंदा तो ज़्यादा पॉइंट से लॉस नहीं होने वाला, क्योंकि उस बंदे ने ओपन ऐसे कार्ड पिक किया था, और यहाँ पे सेकंड राइट प्लेयर भी दे सकते हो। ओके भाई 43 पॉइंट वाला बंदा 21 पॉइंट से लॉस हुआ है, और यहाँ पे 71 पॉइंट वाला बंदा ओनली 4 पॉइंट से लॉस होता है। वैसे जिस बंदे का हम सोचे थे वो बंदा ज़्यादा पॉइंट से लॉस होता है, और जिस बंदे का हमको नहीं पता था वो बंदा ओनली 4 पॉइंट से लॉस होता। खैर कोई नहीं, अगेन गाइस कार्ड रिसीव हो चुके हैं एंड इस बार गाइस दे सकते हो कार्ड, एक जोकर मिला, लेकिन यहाँ पे एक जोकर और होता बहुत बढ़िया होता। सो हम यहाँ पे करते हैं ड्रॉप एंड यहाँ पे देख लेते हैं बंदों के कार्ड, जिस बंदे गाइस 4 पॉइंट लगे हैं उस बंदे को डिक्लेयर करने के लिए 1 वैलिडिटी कार्ड चाहिए था, और यहाँ पे ये देखो 21 पॉइंट से लॉस हुआ बंदा, इस बंदे ने 8 के साथ सेकंड लाइफ रैंक की थी पर हमारे पास भी वैलिड कार्ड ही था 8। चलो बढ़िया जो भी हो गया, और बाकी बंदों पास अच्छे कार्ड आए थे नहीं, और यहाँ पे चलो करते हैं गाइज इसी के साथ बैट स्किप, देखते हैं गाइज कौन कौन बंदे प्ले कर रहे हैं। ओके भाई यहाँ पे तो बंदे का टाइम आउट हो चुका है, सो गाइज कर देते हैं हम बैट स्किप। ओके सो फाइनली गाइज यहाँ पे 75 पॉइंट वाला बंदा डिक्लेयर कर देता है, और यहाँ पे देखते हैं भाई डीलर कितने पॉइंट से लॉस होता है भाई, और यहाँ पे 62 पॉइंट बंदा, एक बंदा तो एलिमिनेट हो चुका है। ओके भाई इस बंदे के लग चुके हैं मेरे हिसाब से 27 पॉइंट डीलर के, और यहाँ पे भाई एक बंदा तो डायरेक्ट एलिमिनेट हो चुका है। चलो बढ़िया जो भी हुआ, दो बंदे एलिमिनेट हो चुके हैं, बचे ओनली 3 प्लेयर जिसमें से एक बंदे के 60 पॉइंट है भाई। खैर कोई नहीं, सो अगेन गाइस कार्ड रिसीव्ड हो चुके हैं एंड इस बार गाइस देख सकते हो हमारे पास
एक जोकर मिला और यहाँ पे एक पावर सिक्वेंस मिली है, लेकिन यहाँ पे थोड़े इनवैलिड कार्ड भी हैं, सो हमको थोड़ा टाइम लग सकता है डिक्लेयर करने में। वैसे ओपन डेक में क्वीन पड़ी है, तो अगर बंदे ने पिक की तो हमारे पास जे नहीं आ सकता। खैर देखते हैं बंदा कौन प्ले करेगा, 91 पड़ा बंदा तो प्ले ही करेगा। और यहाँ पे हमारे पास, मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे 75 पड़ा बंदा भी ड्रॉप कर दे तो बढ़िया, क्योंकि देखो इस बंदे के पास अगर अच्छे कार्ड आए फिर ये बंदा प्ले कर सकता है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ अगर ये बंदा ड्रॉप कर देगा तो हमारा 1v1 रहेगा। सो 1v1 में पता ही आपको मतलब टर्न कम लगती हैं और प्योर सिक्वेंस नहीं होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। ओके बंदे ने एस डिस्कार्ड किया, कोई नहीं, हम करते हैं क्लोडे से कार्ड पिक। ओके गाइस यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास जोकर आ चुका है, सो मैं भी यहाँ पे ए सी डिस्कार्ड कर देता हूँ क्योंकि बंदा बस हेड तो रही नहीं कर रहा होगा, लेकिन भाई बंदे को ए सी चाहिए था। ओके 10 डिस्कार्ड किया, सो 10 पिक करें क्या, सो 10 पिक कर लेते हैं एंड यहाँ पे किंग डिस्कार्ड कर देते हैं क्योंकि मेरे को पॉइंट भी डाउन रखने थे ना, इसी वजह से मैंने 10 पिक किया। अब देख सकते हो गाइस हमारे 20 से तो डाउन पॉइंट हो चुके हैं। ओके यहाँ पे 3 आ चुका है, सो हम यहाँ पे 5 डिस्कार्ड कर देते हैं, बंदा 5 ही पिक कर सकता है, वैसे डबल था ना, लेकिन बंदे ने पिक नहीं किया, चलो बढ़िया। वैसे यहाँ पे हमारे लिए दिक्कत यह कि 4 नहीं आ सकता, डायमंड में जे आना चाहिए, डायमंड में 8, और बंदे ने क्या डिस्कार्ड किया, डायमंड में 9, पर मेरे पास आया हर्ट में जे। अब हमको कौन सा कार्ड डिस्कार्ड करूं कि बंदा पिक ना कर पाए। जैसे मैंने क्लब में 5 डिस्कार्ड किया, मैं सोच रहा हूँ क्लब में 2 डिस्कार्ड कर दूं, लेकिन यहाँ पे 2 का सेट नहीं होने के चांसेस हैं ना, सो मेरे को 3 के साथ ही रिस्क लेना पड़ेगा, सो मैं यहाँ पे 3 डिस्कार्ड कर देता हूँ एंड यहाँ पे भाई देखते हैं बंदा 3 पिक करता है या फिर नहीं। और गाइस देखो बंदा 3 पिक कर गया, अब हम क्या ही करें भाई, बंदा कार्ड पिक कर गया था और बंदे ने 7 डिस्कार्ड किया, कोई नहीं क्लोडा से कार्ड पिक करते हैं। ओके और मेरे पास आता है क्लब में जे, सो मैं जे ही डिस्कार्ड कर देता हूँ क्योंकि मेरे को डाउन में जे चाहिए, क्योंकि हमको अब डायरेक्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा क्योंकि हमारे 27 डाउन पॉइंट हो चुके हैं। अब हो सकता है ये बंदा एलिमिनेट भी हो जाए, लेकिन बंदे ने भाई 2 ओपन ऐसे कार्ड पिक कर लें तो चांस बहुत कम है कि ये बंदा एलिमिनेट हो। ओके भाई बंदे ने अगेन 7 डिस्कार्ड कर दिया भाई, खैर कोई नहीं करते हैं क्लोडे से कार्ड पिक, मतलब बंदा नहीं चाहता कि हम ओपन ऐसे कार्ड पिक करें भाई, बहुत ही खतरनाक प्ले कर रहा है। ओके भाई यहाँ पे आए डायमंड में किंग, सो किंग ही डिस्कार्ड कर देते हैं। बंदा किंग के अकॉर्डिंग जे डिस्कार्ड कर दे, चांस तो है बंदा जे डिस्कार्ड कर सकता है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते बंदों का दिमाग में क्या चल रहा है। वैसे मैंने 5 डिस्कार्ड किया था क्लब में, तो बंदे को 7 डिस्कार्ड करना तो चाहिए, लेकिन बंदे ने डिस्कार्ड किया हर्ट में 6। कोई नहीं करते हैं क्लोडे से कार्ड पिक, एक कार्ड चाहिए और गाइस देश हो तो यहाँ पे कितनी ही टर्न लग चुकी हैं, तो थोड़ा सा टाइम लेंगे एंड यहाँ पे पिक करते हैं कार्ड। ओके और फाइनली गाइज मेरे पास 9 आ जाता है, सो 2 सा करते हैं डिक्लेयर, इसी के साथ फिनिश। अब देखते हैं गाइज बंदा कितने पॉइंट से लॉस हुआ है, वैसे एलिमेंट तो नहीं होने वाला मुझे लगता है ये बंदा, क्योंकि भाई जब बंदे ने कितने कार्ड पिक कर ही लिए तो भाई एलिमेंट क्यों होगा बंदा, सो मेरे हिसाब से एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ये तो पक्का कन्फर्म है। और देखो भाई बंदा 100 पॉइंट पे हो चुका है, मतलब एक पॉइंट बंदे का और लग जाता तो एलिमेंट हो जाता, और बंदे देखो 3 ओनली मतलब के सर्वाइव करने के लिए पिक किया था भाई साहब, बहुत ही बंदा खतरनाक निकला भाई। सो अगेन गाइज कार्ड रिसीव हो चुके हैं एंड इस बार गाइज देश हो तो कार्ड, यही है गाइज मोमेंट जो हमारे साथ यहाँ पे गलत सीन होने वाला है, मतलब यहाँ पे आप खुद ही देख लो हमारे पास कितने वैलिड कार्ड हैं, लग ही रहा होगा कि यहाँ पे प्योर सिक्वेंस नहीं हो जाएगी, लेकिन भाई देखते जाओ। ओके बंदे ने क्वीन डिस्कार्ड की, कोई हम यहाँ पे क्लोडे से कार्ड पिक करते हैं, मेरे पास क्या क्लब में 5, सो अब हम कौन सा कार्ड डिस्कार्ड करें, वैसे 10 क्वीन वैलिड कार्ड है, सो मैं यहाँ पे डायमंड में 4 डिस्कार्ड करता हूँ क्योंकि यही मेरे को
अब इनवैलिड कार्ड लग रहा था, क्योंकि थ्री जॉकर है तो बंदा फोर क्या ही पिक करेगा, लेकिन भाई बंदा फोर ही पिक कर जाता है भाई। वैसे मेरे को यहाँ पे क्लब में टेन डिस्कार्ड करना चाहिए था, और गाइस देखो बंदे ने क्या किया, डिस्कार्ड डायमंड में एस। पर मैं यहाँ पे सोचा था बंदा अपन इस सर्वाइव कैसे ही कर गया। थ्री का देखो सेट रेंज इसका हो चुका था, मतलब एक इस बंदे को कार चाहिए था। खैर देखते हैं भाई होता है क्या। ओके हुक्म का जे मैं सोच रहा हूँ पिक कर लेते हैं, क्योंकि देखो टेन आने के चांस रहेंगे और यहाँ पे किंग भी आ सकता है, लेकिन फिर मैं यहाँ पे क्लोडा से कार्ड पिक करता हूँ और मेरे पास डैंड में एस आता है, सो इसी को डिस्कार्ड कर देते हैं। मैं सोचा था बंदा देखो किंग ओपन डेक में डिस्कार्ड हो चुका है, जे अब जे भी आने के चांस है डैंड में, जे हो सकता बंदा डिस्कार्ड कर दे, क्योंकि देखो ये कार्ड आने के चांस हैं। ओके भाई देखो उस बंदे ने जे के अकॉर्डिंग एस डिस्कार्ड किया इस बंदे को, और भाई एक सीक्वेंस एक हिसाब से निकल चुकी है ओपन डेक में, तो मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं होना चाहिए बंदा पिक करे। वैसे हमारे पास कार्ड तो वैलिड हैं, लेकिन बंदा डिस्कार्ड करे तब ना। देखो भाई डायमंड क्वीन डिस्कार्ड किए, भाई डायमंड जे नहीं डिस्कार्ड किया, और मेरे पास क्या हर्ट में एट, सो मैं यहाँ पे क्वीन डिस्कार्ड कर देता हूँ हुक्म भी, क्योंकि बंदे ने हुक्म की क्वीन डिस्कार्ड की थी। अब गाइस देखो हमको एक कार चाहिए बस प्योर सिक्वेंस, अगर प्योर सिक्वेंस रेंज हो गया तो भाई डिक्लेयर हम कर सकते हैं। और देखो भाई डायमंड टेन भी जा चुका है, लेकिन हमारे पास डायमंड में जे आना चाहिए, और देखो बंदे ने क्वीन डिस्कार्ड की, मैं सोचा बंदा जे डिस्कार्ड कर देगा। और गाइस देखो हर्ट सिक्स किस बंदे ने डिस्कार्ड किया, और गाइस ये बंदा पिक कर लेता है, अगर ये बंदा नहीं ना होता तो हम हर्ट सिक्स पिक कर सकते थे। और गाइस देखो ये बंदा भी हुक्म का जे डिस्कार्ड कर रहा है, वो भी अगेन, भाई क्या ही बताएं बंदे का। कोई नहीं क्लोडा से कार्ड पिक करते हैं, और मेरे पास आता है क्लब में सिक्स, सो मैं अब यहाँ पे क्लब टेन का सोच रहा हूँ टेन डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि अब हमको एक ही कार्ड चाहिए। वैसे भी क्लब क्वीन ओपन डेक में जा चुकी है, और गाइस देखो बंदे ने हर्ट जे डिस्कार्ड कर दिया। अब देखो हर्ट क्वीन किस बंदे के पास है ये नहीं समझ आ रही, क्योंकि देखो भाई हर्ट जे जा चुका है, नाइन देखो इस बंदे ने डिस्कार्ड कर दिया, नाइन जे टेन किसी और बंदे ने डिस्कार्ड किया होगा, मतलब अपनी देखो ये बंदे ने तो सीक्वेंस ही ब्रेक कर दी। कोई नहीं गाइस क्लोडा से कार्ड पिक करते हैं, अब तो हम फंस चुके हैं भाई इन कार्ड्स में, कि बस एक कार्ड आए तो भाई हम डिक्लेयर कर पाए, मतलब हमारी प्योर सिक्वेंस नहीं हो पा रही। और गाइस देखो यहाँ पे क्लब बेस आता है, सो मैं यहाँ पे हर्ट जे डिस्कार्ड कर देता हूँ इस बंदे को, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भाई ये बंदा ओपन ऐसे कार्ड पिक करे भाई। अब मेरे पास ऑप्शन तो है, देखो हर्ट क्वीन आ सकती हर्ट में, और यहाँ पे क्लब टू आ सकता है हर्ट में, सिक्स तो नहीं आ सकता क्योंकि ये बंदा पिक करेगा, हर्ट में नाइन आना चाहिए। ऑप्शन आप खुद ही दे सकते हो भाई हमारे पास कितनी ऑप्शन है, लेकिन भाई 80 पॉइंट बंदा क्लोडा से कार्ड पिक करता है और इसी के साथ फाइनली डिक्लेयर कर देता है। अब बताओ गाइज मतलब हमारे साथ गलत सीन हुआ कि नहीं हुआ, मतलब बहुत ही गंदा सीन हो गया। खैर अब क्या ही कर सकते हैं, हम एलिमिनेट हो चुके हैं, मतलब हमारे साथ ये दोनों बंदे भी एलिमिनेट हो जाते हैं। अगर यहाँ पे मैं 91 पॉइंट बंदे को एलिमिनेट कर देता ना, तो भाई ये मेरे लिए दिक्कत नहीं होती। खैर कोई नहीं, बलो सोच चुके हैं क्या ही कर सकते हैं। सो अगर गाइस आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना। ओके।